हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और मेरा नाम है नीति। आज हम जानेंगे जिम्नोस्पर्म पौधे के बारे में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा प्लांट का कैटेगरी हो जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब हम यहाँ पे वीडियो की स्टार्टिंग अगर की जाए तो जिम्नोस्पर्म पौधे को अगर आप देखेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा किसी भी फल या फ्रूट को। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक आम का पौधा ले लीजिए जिसमें लगेंगे आम के फल। जाहिर सी बात है, आम का पौधा है तो आम के फल ही उसमें लगेंगे। अब उस आम को आप तोड़कर खाएं तो आप देखेंगे कि जो ऊपरी भाग है, पहले तो छिलका होता है, उसके अंदर पल्प या गूदा होता है जिसको हम लोग बड़े ही चाव से खाते हैं और बहुत ही टेस्टी होता है। उसके अंदर क्या बच जाएगा, पल्प को खाने के बाद बच जाएगा हमारा बीज या सीड। अब इस सीड को अगर आप देखेंगे और अंदर जाते जाएंगे तो उसके अंदर पाया जाएगा हमारा एम्ब्रियो। और ये जो एम्ब्रियो है वो आगे चलकर फिर से एक नया पौधा बना सकता है। मतलब कि फल को खाने के बाद, जो उसका पल्प है उसको खाने के बाद यहाँ पे जो गुठली बच गई उसको अगर आप मिट्टी में लगा दें तो ये जो बीज है या गुठली है उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो बढ़ता जाएगा और आगे चलकर एक बड़ा सा ट्री बना लेगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो किसी भी फल में पाए जाते हैं पल्प या कि या फिर गूदा, उसके अंदर जो है सीड, सीड के और अंदर देखें तो पाया जाएगा एम्ब्रियो। इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो जाता है। अब समझते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म पौधे के बारे में। यहाँ पे ये जो पौधे हैं उनकी खास विशेषता ये है कि इनके जो बीज होते हैं वो बाहरी किसी भी लेयर से यहाँ पे ढके हुए नहीं रहते। जैसे कि आम के फल को, आम का जो फल है उसको देखें तो उसका जो बीज या गुठली था उसके बाहर क्या पाया जा रहा था, पल्प पाया जा रहा था। बट जिम्नोस्पर्म पौधे जो होते हैं उनके जो बीज होते हैं उसके आउटर में कुछ भी नहीं पाया जाता है। और यही खास विशेषता जिम्नोस्पर्म को एक अलग ही कैटेगरी में रखती है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है, तो ये जो है ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जो कि दो वर्ड से मिलकर बना होगा। पहला है जिम्नोस जिसका मतलब होता है नेकेड, और दूसरा है स्पर्मा जिसका मतलब होता है सीड। नेकेड सीड जिम्नोस्पर्म का मतलब, मतलब कि ऐसे बीज जिनमें बाहरी कोई लेयर ना पाया जाए उसे कहा जाता है हमारा जिम्नोस्पर्म पौधा। चलिए अब हम यहाँ पे डिटेल से कवर करेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टर जो है वो इन पौधों में पाए जाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने देखा कि इनमें क्या होता है, फ्रूट जो है वो नहीं पाया जाएगा, केवल क्या पाए जाते हैं, सीड पाए जाते हैं और वो भी नेकेड होते हैं। सेकेंड है कि ये फ्लावर भी प्रोड्यूस नहीं करते, इनमें फूल नहीं पाया जाता है। थर्ड अगर देखेंगे तो ये कोल्डर एरिया जो है, कोल्डर रीजन जो है, ठंडे प्रदेश जो हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे जहाँ पे बर्फ गिरता है उस एरिया में ये पौधे बहुत ही ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। अगर ये देखें और इनके बारे में तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल होता है और ये मोस्ट प्रिमिटिव जो प्लांट हैं वो होते हैं। मतलब कि इनका अगर आप देखेंगे तो ये सिंपल सीड प्लांट होंगे और प्रिमिटिव प्लांट होते हैं। और देखें तो ये पेरेनियल होते हैं, मतलब कि इनका अगर लाइफ टाइम देखें तो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि तुरंत ही एक दो साल में मर जाते हैं। आप एग्जांपल के तौर पर अगर देखेंगे तो घरों में लगाने वाले कुछ पौधे हैं जो तुरंत ही मर जाते हैं, बट ये जो हमारे जिम्नोस्पर्म वाले पौधे हैं वो लंबा लाइफ साइकिल जो है वो यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। ये एवर ग्रीन होते हैं, मतलब कि सदाबहार हैं, हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। और अगर देखें इनके बारे में तो जैसे कि मैंने बताया ये कहाँ पाए जाते हैं, बर्फ एरिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर कैरेक्टर देखें तो ये वुडी प्लांट होते हैं, मतलब कि इनमें लकड़ी आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें पत्तियों की विशेषता, यहाँ पे तो फल के बारे में देख लिया, फूल देख लिया कि उनमें फूल भी नहीं पाया जाता, बट अगर पत्ती की बात करें
तो इनका जो पत्ती है वो तो पाया जाएगा, बट उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो नीडल के समान होता है, और ये इनकी खास विशेषता जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट अगर स्ट्रक्चर कैरेक्टर देखते हैं हम कौन सा होगा, तो इनका जो सीड है, ठीक, गूदा तो नहीं पाया जाता, फल ये नहीं बना फल नहीं बनाते हैं, तो इनका जो सीड है, सीड के अंदर मैंने बताया था एम्ब्रियो पाया जाता है। एम्ब्रियो और सीड के बीच में और एक लेयर पाया जाता है जिसे यहाँ पे हमारा कहा जाता है एंडोस्पर्म। और ये जो एंडोस्पर्म होते हैं वो फूड स्टोर करते हैं प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इनकी विशेषता में ये भी ऐड होगा इनके कैरेक्टर में। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ये जो प्लांट है उनमें वैस्कुलर टिश्यू भी पाया जाता है। अब वैस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोयम, मैंने वीडियो बनाया है आप देख सकते हैं, जाइलम और फ्लोयम जो हैं वो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं जो कि पानी पानी जब अवशोषित किया जाता है जड़ के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है उसको पत्तियों तक पहुँचाते हैं जाइलम, और जो फ्लोयम है वो पत्तियों के द्वारा बनाया गया खाना जो है उसको प्लांट के पूरे जो पार्ट हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं, और इन्हें ही कहा जाता है हमारा वैस्कुलर टिश्यू। तो हमारे जो ये पौधे हैं उनमें वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं जिनकी हेल्प से यहाँ पे पानी, मिनरल और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन जो है वो चलता रहता है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखेंगे जो हमारा जाइलम है जो कि पानी को पत्तियों तक पहुँचाता है उनमें यहाँ पे वेसल नहीं पाए जाते, और साथ ही साथ जो फ्लोयम है उसमें कंपेनियन सेल और सीप ट्यूब भी नहीं पाए जाते। स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो वो अलग ही एक वीडियो बन जाएगा जिसका वीडियो मैंने बताया है जाइलम और फ्लोयम का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे जो हमारे जाइलम है उसमें वेसल नहीं पाए जाएंगे हमारे जिम्नोस्पर्म वाले पौधे में, और फ्लोयम में कंपेनियन सेल और सीप ट्यूब नहीं पाए जाते हैं जो कि एक खास विशेषता है इन पौधों की। चलिए देख लेते हैं इन दोनों का एग्जाम्पल। सबसे पहले तो हमारा हो जाएगा पाइन ट्री जो कि एक जिम्नोस्पर्म पौधा है, सेकंड है देवदार। ये दो जो पौधे हैं वो जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं जो कि ये जो कैरेक्टर मैंने अभी आपको बताया वो सब अपने पास रखते हैं या इनमें दिखाई ये सब जो कैरेक्टर है वो सब दिखाई पड़ता है। आज का हमारा इस वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन होगा जिम्नोस्पर्म पौधे का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। ऑप्शन है हमारा आम, दूसरा है केला, तीसरा है देवदार और चौथा है चीकू। आंसर कमेंट करके दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।